जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तिथि, हालांकि समय हम कहेंगे तिथि अभी घोषणा नहीं हुई है, वो नज़दीक आती जा रही है, राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। कई पार्टियां, कई प्रत्याशी सिवान की राजनीति में दस्तक दे रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं सिवान का जो राजनीतिक तापमान है वो रह रह के गर्म हो जाता है। आज इसी तापमान पे हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री हैं बिट्टू सिंह जी, उनके साथ राजीव कुमार बिट्टू सिंह जी उनके पास बैठे हुए हैं, और सिवान की राजनीति पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर सिवान की राजनीति जो है किस करवट बैठने जा रही है। बिट्टू जी, आपका स्वागत है हमारे एटीएन लाइव के कार्यक्रम में, और सबसे पहला सवाल ये होगा कि 5 साल से मोदी जी की सरकार है, 4 साल बीत, 4.5 साल बीत चुका है, इस बार का मुद्दा क्या होगा? 2014 में मोदी जी की लहर थी, इस बार का मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले तो आपने अपने चैनल पे हमको बुलाया और समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपका जो सवाल है कि 2014 में लहर था, अब 5 साल सरकार चलने को पूरे होंगे, अब सरकार के काम पे चुनाव जाएगा। मैं एक गर्व से कह सकता हूँ कि देश आज़ाद होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व दिया गया और जिसके नेतृत्व में ये भारत की सरकार चली है, और उसी की एक तरह से परीक्षा की घड़ी आ रही है, और हम सारे कार्यकर्ता इस परीक्षा की घड़ी में जनता के बीच जा करके, और 5 साल में हमारी सरकार ने क्या किया है इसका बकायदा हमारे पार्टी ने आकलन कर लिया है। और इसकी इसको बताने के लिए मैं 2-4-10 उदाहरण बता रहा हूँ। बाकी सीधे तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की समर्पित सरकार थी, देश में 1.25 करोड़ लोगों को की समर्पित सरकार थी, और जो काम किया है अद्भुत काम किया है किसानों के हित में। जहाँ अपने देश की आबादी की 80%, 75% आबादी आप देखिए कि किसान हैं, और गांव में जहां बसती है, ये देश आज़ाद होने के बाद इतनी बड़ी जनसंख्या की आबादी के बारे में सोचने का अगर किसी सरकार ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। उन्होंने सोचा है कि जब किसान खुशहाल होंगे तभी ये देश खुशहाल होगा, इसलिए किसान की खुशहाली के लिए सरकार ने कई ठोस कदम भी उठाए हैं। आप देख लीजिए, किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए तमाम तरीके के कृषि विभाग के तरफ से उन्होंने किसानों के लिए काम किया है। जैसे हम तमाम लोग पूछते हैं कि किसानी या किसान का आमदनी कैसे दोगुना करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं चाहता एक आध दो चीज़ इसमें आपको बताएंगे, बाकी सब आप भी जानते होंगे। जैसे आपने देखा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि जो गांव के अंदर बिजली लग रही है या बिजली अभी तक चल रही है, वो घर को बिजली मिलती है, और एक बिजली का फीडर, एक बिजली की सप्लाई है जिससे गांव में बिजली लोगों को मिलती है, और उसी से गांव के लोग किसानी भी करते हैं। सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया कि सर्वप्रथम सिंचाई का जो काम है किसानों का, आप देखिए जिसके पास बड़े बड़े किसान हैं, आज डीजल का मूल्य देखिए बढ़ा हुआ है, और बिजली किसानों को देहात में उस तरह से बिजली उपलब्ध नहीं थी अभी तक। हम जहाँ बैठे हैं हम यहीं के बात कर रहे हैं, आप आसपास गांव में जाके इस चीज़ का सर्वे कर सकते हैं, और मैं खुद इस चीज़ का उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जब हम लोग गाँव आते थे तो महीना महीना भर कहीं बिजली की रोशनी का दर्शन नहीं होता था, और कहीं आती थी तो 10-5 मिनट में चली जाती थी। सबसे पहले अब कम से कम 15 घंटा गांव को बिजली में देने का सरकार ने काम किया, और इसके साथ एक बड़ा फैसला जो लिया कि कहीं गांव के जो एक लाइन होता है वो फॉल्ट होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसको बनने में जो टाइम लगता है उससे किसान कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं।
इसलिए एक अलग फीडर बनेगा, एक किसानों के लिए अलग लाइन होगी, जिससे मान लीजिए किसी किसान की सिंचाई में जो बड़ी लागत एक लगती है, एक पंपिंग सेट लगता है, और एक बड़ी किसान को कम से कम अगर एक सिंचाई का व्यवस्था का बनाता है तो पर डे 1000 से 1500 रुपये के निश्चित रूप से डीजल और पंपिंग सेट का किराया और भाड़ा होता है, तब दिन भर उसका पंपिंग सेट चल के खेत में सिंचाई हो पाता है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो 1500 रुपये की लागत 1200 रुपये की लागत से एक दिन में किसान सिंचाई करते थे, और जिस दिन ये फीडर का काम शुरू भी हो गया है, पटना ग्रामीण से शुरू हुआ है, आने वाले दिन में जो ये कदम है, जो गांव-गांव में ये फीडर जब पहुंच जाएंगे और किसान की जो फीडर होगी उस पर निश्चित रूप से सरकार ने तय कर लिया है कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक या 6 बजे तक उस दिन में उस फीडर पर निश्चित रूप से लाइट रहेगी, उस पर किसी तरह का फॉल्ट या किसी तरह की कटौती इसलिए नहीं की जाएगी कि चूंकि खेती और किसानी का काम दिन में होता है। बिट्टू जी, सवाल ये उठता है कि 4 साल सरकार, 4 साल से ज़्यादा समय, 4.5 साल सरकार के बीत गए, और 4.5 साल के बाद जब चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है, चुनावी साल में हम लोग चल रहे हैं, तब ये सब किसान के हित में फैसला होता है। आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके जो लागत का, जो खर्चा का ये है वो उसको नहीं मिल पाता है। सरकार ने फैसला लिया लेकिन इतनी देर क्यों कर दी? देखिए, देश आज़ाद होने के बाद इस देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सत्ता को संभाला है तो दूसरे दल के लोग हैं, और 50-40 साल तक जिन्होंने राज किया, एक लंबा मौका किसानों ने दिया और देश की जनता ने दिया, ये उनका उत्तरदायित्व तो बनता था। और जब 40 साल और 50 साल का गड्ढा था, उस गड्ढा को भारतीय जनता पार्टी 5 साल में एक बैक, अगर कहीं आप चाहें कि उसको पाट दे तो शायद उस पद पे आप हम कोई भी चला जाए तो ये नामुमकिन होता है। लेकिन आपको याद होगा कि जब शपथ लिए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, उसी वर्ष में उन्होंने किसानों की बात कर दी थी और किसानों के विषय में चिंता करना शुरू कर दिया था, और किसानों के हित में तभी से तमाम फैसले लेना शुरू हो गया था। और किसान के हित में जो भारत सरकार फैसला लेती है उसको गांव तक पहुंचाने में आप भी जानते हैं कि जब आदेश या कैबिनेट या सदन में जो पास किया जाता है उसको धरातल तक उतारने में कम से कम 1.5 साल लग जाते हैं गाँव तक आने में। ये फैसला आज का नहीं है कि अब चुनाव आ रहा है, आज का फैसला है। ये फैसला पहले का है। अब उस फैसला जो हुआ है पहले से, पटना ग्रामीण में हमारा सब स्टेशन बनना शुरू हो गया, ये काम शुरू हो गए हैं। ये फैसला काफ़ी पहले हुआ, उस फैसले को अमला जामा पहनाने में, उसकी जो शासनादेश होता है, उसका जो आदेश जारी होता है स्टेट गवर्नमेंट को आने में, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिर जारी करके अपने जिले स्तर पर ले जाना, और जिले को फिर मंडल स्तर पर उतारना और मंडल से गांव तक पहुंचाना, इसमें समय लगता है। कुछ फैसले सर और हुए थे जी, आपको भी याद है, पूरे देश को याद है, कुछ फैसले और हुए थे। सभी के अकाउंट में 15 लाख की बात हो रही थी, फिर भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो रही थी, कुछ और फैसले हुए थे लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचार के बारे में आप देख रहे हैं कि 15,000 करोड़ लेके लोग चले जाते हैं और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो बिल्कुल आराम से चले जाते हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना पैसे दिए हुए आप कोई काम नहीं करवा सकते हैं, चाहे वो केंद्र की बात हो या फिर स्टेट की बात हो। वादे बहुत हुए थे लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, भ्रष्टाचार जहाँ तक मिटाने की बात थी, निश्चित रूप से मैं आज इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा लगाम लगा है। और लगाम किस तरह से लगा है, आज 5 साल सरकार को पूरे होने जा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो टीम के लोग हैं, जो कैबिनेट के लोग हैं, या भारत सरकार के द्वारा आज तक किसी मंत्री पर या किसी पे 5 साल में पहली बात कि हमारी सरकार बिल्कुल बेदाग है, किसी मंत्री के ऊपर कहीं कोई दाग नहीं लगा है। पिछले साल या पिछले सरकारों में आपने देखा है कि एक के बाद एक भ्रष्टाचार, और एक नया नया भ्रष्टाचार का युग था, जो क्या पता का किस कमरे में बना जो है, इस तरह के भ्रष्टाचार का बारे में जो लोग सोच नहीं सकते थे, इस तरह से प्लानिंग करके सरकारें भ्रष्टाचार की हैं। और ये भ्रष्टाचार की जो जड़ें थी, ये पुरानी जड़ें थी,
ये तमाम लगाम लगाने के बाद एक दो लोग जो सामने आए हैं वो निश्चित रूप से सरकार के कोई जो है मेंबर नहीं है, न पार्टी के कोई लोग हैं। और वो जो लोग हैं आप देखिएगा निश्चित रूप से उनके जो है कानून के दायरा में उनको आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की उनके साथ मरोवत नहीं करेगी। दूसरा सवाल आपका यह रहा कि जो 15 लाख रुपये की बात है, निश्चित रूप से सरकार ने कहा था कालाधन लाएंगे और लोगों के बीच में हम देंगे। आप ये बताइए कि हमारे गांव के लोग, आप चलिए अगल बगल हम देखते हैं, ऐसे भी लोग कभी बसते हैं जो लोग दिन भर काम करते हैं और 200, 300, 400 रुपये कमाते हैं, तब उनके बच्चे शाम को खाते हैं, उनके घर में चूल्हा जलता है। और आज गर्मी की इस तपन को आप देख रहे हैं, हम आप एक पंखा ना हो तो भैया पसीने से डबडबा जाते हैं, उनके घर में पंखे की मारी गोली छत तक नहीं। ऐसे भी लोग अभी हैं, हम ये नहीं करें कि ऐसी आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में कुछ लोग बचे हैं जो हमारे समाज के, हमारे आपके बीच के लोग हैं। और आप समझिए कि दिन भर जब वो निकल के धूप में काम करते हैं और 200 रुपया 300 रुपया लाते हैं, जब उसकी अपना सामान खरीद के बच्चों का, जब उस घर की महिलाएं आग जला करके इस ऊपर की तपन और आग की तपन सीने पे झेल करके और जब दो रोटी बना करके उद्धने का काम करती थी, इसकी वजह से तमाम महिलाओं को बीमारी का हालात झेलना पड़ता था, तमाम इस तरह की दमा का तमाम मरीज होकर के मौतें होती थी। ये प्रधानमंत्री और कभी वो गैस चूल्हा कनेक्शन के बारे में ऐसा परिवार कभी सपना नहीं दे सकता था कि हमारे घर में भी गैस चूल्हा होगा और जो है हम भी गैस पर खाना बनाएंगे। ये चिन्हांकन करके प्रथम जो श्रेणी था उसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, दोबारा और लोगों को चिन्हांकन करके एक एक गाँव में हमें बिल्कुल वो है कि कम से कम 200, 300, 400 लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन और गैस बांट करके ये भारत सरकार ने कीर्तिमान का। ये भ्रष्टाचार का पैसा था जो आज गरीब के घर में गया है, यही भ्रष्टाचार का पैसा था जो आज गांव में फीडर लग रही हैं। लेकिन सर काला धन तो आप ला नहीं पाए, एक पैसा नहीं आ पाया वहाँ। भ्रष्टाचार को रोका और जो देश का पैसा काला धन में कन्वर्ट होता था नोटबंदी के तहत, आपने देखा कि तमाम 450 रुपये का गैस सर 950 रुपये में बिक रहा है, उस पर सब्सिडी भी है उस पर। सब्सिडी का आलम यह है कि जितने लोगों का भरा गया है वो आधे भी उनके अकाउंट में नहीं आ पाता है। देखिए हम आपको एक बार और जब वो लोग कंप्लेन करते हैं तो होता है कि टेक्निकल फॉल्ट है, तो ये है तो वो है, ये सच्चाई है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। हम आपको एक चीज़ बहुत ठीक से बता दें, इस चीज़ के बारे में बड़े ही डीपली हमने अपने आंखों से देखा। आप देखिए कृषि के क्षेत्र में जब सरकार देती है कि किसी को पंपिंग सेट का अनुदान 20,000 रुपया दिया जाए, या नगद जब अनुदान की व्यवस्था थी या बेरर चेक की जब व्यवस्था थी, हमने इस चीज़ को खुद महसूस किया है कि हमारे ही आपके बीच के एक दलाल होता था जो गाँव में घूमता था और जिसके पुरान पंपिंग सेट होते थे उससे कहता था रंगवा दीजिए मैं आपको 10,000 रुपया दे दूंगा, और फर्जी किसी दुकान से बाउचर्स बना करके और 20,000 रुपये में 10,000 रुपये लूटने का काम वो डकैत करता था और हमारी जनता के पास 10,000 रुपये जाने का काम करता था। ये एक उदाहरण हमने दिया। इस तरह से तमाम योजना जो है ये व्यवस्था तो आज भी कायम है। हम आपको बता दें, मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से लगाम लगा है और इस रूप में लगाम लगा है कि अब निश्चित रूप से अब जो सरकार पैसा दे रही है पारदर्शिता के साथ, जो आधार कार्ड उन्होंने जारी कराया है, हम ये गर्व से कह सकते हैं कि अब बिचौलिया जो भी हो, इस तरह की जिस तरह की लूट थी उस परसेंटेज में लूट नहीं रह गई है, अब सीधे लाभार्थी के खाते में हम अनुदान देने का काम कर रहे हैं और लाभार्थी के खाते में दे रहे हैं, लाभार्थी के संज्ञान में जा रहा है और लाभार्थी को हम देने का काम कर रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से जो लाभार्थी को जो हक मिलना चाहिए वो हक अब लगभग मिल रहा है और बिचौलियों की दुकान कहीं ना कहीं भारी मात्रा में बंद हुई है और इसमें कहीं ना कहीं जो भी त्रुटियां हैं लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि मैं आपका करा रहा हूं। ये देखिए इसमें जागरूक पार्टी जागरूक जी आज पूरे देश में सरकार ने अभी आसाम को ले लीजिए, बंगाल को ले लीजिए, NRC की बात चर्चा हो रही है कि पूरे देश में NRC लागू किया जाए। विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो आम जनता है, भारत की जो आम जनता है उसके ध्यान को भटकाने के लिए,
एनआरसी को लाया जा रहा है, आप इसको क्या मानते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार के हर फैसले को नकारात्मक सोच के तहत उसका विरोध करना। हम उसकी मानसिकता खराब हम मानते हैं, और जो भी हमारी सरकार अच्छा भी काम करती है उसका उनके पास नए नए आइटम्स की तरह बना करके विरोध के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए हम उनके बातों में कोई दम नहीं मानते हैं। अब आज विपक्ष है ही नहीं है। एनआरसी के बारे में हमने सर सवाल किया था कि एनआरसी क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए या कुछ स्टेट में? अभी सवाल पे हम थोड़ा रुकेंगे, और चूंकि ये पार्टी बहुत बड़ी है और ये भारत सरकार और प्रदेश सरकार और हमारे बड़े नेता सब सारी चीजें तय करते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा था, कभी था, अभी नहीं है, राम मंदिर। राम मंदिर आज भी उसी हालात में है, ये मुद्दा आज भी वही, जहां पहले शुरू हुआ था आज भी वही है। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर के प्रति बीजेपी गंभीर है? क्या चाहती है बीजेपी कि राम मंदिर बने या सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? देखिए, राम मंदिर बीजेपी का मुद्दा था, है और आगे बन के ही रहेगा। और उसमें जो कानूनी अड़चने हैं, जो न्यायालय में चल रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उसमें हम लोग को भी कहीं ना कहीं से कुछ जानकारी हुई थी। आप देखिएगा, बहुत जल्दी न्यायालय की तरफ से भी जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है हम लोग के पक्ष में, न्यायालय भी जो है फैसला सुनाएगा और राम मंदिर निश्चित रूप से बन के रहेगा, मैं आपको वादा करता हूँ। तो क्या न्यायालय का फैसला अगर 2019 के पहले नहीं आता है तो राम मंदिर फिर नहीं बनेगा? देखिए, न्यायालय की किसी चीज़ को हम कह रहे हैं बनाएंगे, लेकिन जहाँ कुछ कानूनी बातें हैं, अब उसको जिसे देखिए न्यायालय अलग चीज़ है, अब उसमें हम सोचें कि नहीं आज ही आप फैसला सुना दीजिए, तो ये थोड़ा सा आप ही समझ रहे हैं कि ये थोड़ा सा ये हम लोग की बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें जो अपना पक्ष रखा गया है और जो विपक्षों का पक्ष है, वो सारी चीज़ों का आकलन करते हुए उसमें जो स्टडी की गई है, उसमें मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग के पक्ष में बहुत जल्द ही न्यायालय फैसला करने जा रहा है और राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन सर, जब आरक्षण की बात आ, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और उसको लेकर के तुरंत सरकार ने संसद से एक बिल पास कर दिया, राज्यसभा से भी वो बिल पास हो जाता है, तो जब सरकार अगर गंभीर होती तो राम मंदिर का मुद्दा भी न्यायालय से बाहर तय हो सकता था, सदन में तय हो सकता था, राज्यसभा में उसे पास करवा, चूंकि राज्यसभा में अब आप बहुमत में हैं, तो जब आरक्षण के मुद्दे पे सरकार फैसला ले सकती है, फिर राम मंदिर के प्रति इतना अंतर क्यों? देखिए, ये राम और जो मंदिर की मामला है, ये एक मजहब से एक जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया यहाँ ले लिया गया, दोनों काम में डिफरेंस, और दोनों काम में बहुत डिफरेंस, इसलिए हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग के हित में और हम लोग का जो मुद्दा है उसमें फैसला आने जा रहा है, लोगों में विश्वास भी जाएगा और बहुत जल्दी आएगा। चलिए, आपने देखा कि विट्ठू जी से हमारी देश स्तर पे जो समस्याएं हैं या जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के बातचीत हुई और बड़े बखूबी तरीके से इन्होंने जवाब दिया। अब हम बात करेंगे सिवान की राजनीति पे। सिवान की राजनीति पे सर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पे हैं, विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में उठा पटक मचा हुआ है, बीजेपी के लोग ही बीजेपी का विरोध करते दिखाई दे रहा है, क्या आने वाला लोकसभा चुनाव इससे प्रभावित नहीं हो सकता है? देखिए, ये घर की बात है,